हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? आपका पढ़ाई और आप अच्छे से होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या कर रखा था सर? पिछले क्लास में डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कर रहे थे। आज डेप्रिसिएशन के उसी क्वेश्चन को, तो हम लोग उस क्वेश्चन को तो दो पार्ट में कंप्लीट किए थे। आज एक अलग क्वेश्चन को लाए हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा स्ट्रेट लाइन मेथड का। उसके बाद जो भी हम लोग बनाएंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का बनाएंगे, जिसको डिमिनिशिंग मेथड भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपने पीडीएफ पे। चलिए एक बार स्वागत है आपका कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी में। आपको क्या करना है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो @commercewalabhaiyabhaiNWB करके, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ रहेगा, आप वहां पे जाके इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन में बात करेंगे और उस क्वेश्चन का वर्किंग नोट बना करके देखते हैं क्वेश्चन आज बना पाते हैं या नहीं। ऑन 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2009 को अशोका लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। अशोका लिमिटेड ने एक क्या खरीदा सर? एक खरीदा उन्होंने, एक मिनट रुक जाओ, बिना पेन का मजा नहीं आएगा। हाँ, वर्किंग नोट बेसिकली ये सीखना बहुत जरूरी है। ऑन 1 अप्रैल 2009 अशोका लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000, 50,000 का उन्होंने एक फर्नीचर खरीदा, और 1 जुलाई 2012 को द फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर ₹20,000। 1 जुलाई 2012 को कितने बेच दिया सर? 20,000 रुपए में बेच दिया। प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, अकाउंट वर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, चलो हर साल 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। मशीन वन कब खरीदा है आपने? पहले इसे अंडरलाइन कीजिए, मशीन वन को खरीदा है आपने 2009 का 1 अप्रैल को। कितने का मशीन था? तो सर मशीन था मेरा 1 फर्नीचर था बच्चे, कहां आप लोग भी बता नहीं रहे हो यार। सर बताया तो अब आपको सुनाई नहीं दिया तो मैं क्या करूं, थोड़ा जोर से बोल दे भाई। चलो फर्नीचर खरीदा, कितने का था फर्नीचर सर? 50,000 का फर्नीचर था। अब इस फर्नीचर में बस एक ही इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में कि इसको बेच दिया गया है कब? 1 जुलाई 2012 को। तो 1 जुलाई 2012 तक पहले पहुंचते हैं, तो सबसे पहले 2000 माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। तो डेप्रिसिएशन कब चार्ज होता है? अप टू 31 मार्च। ठीक है, तो कितना चार्ज होगा? कितना परसेंट बोला था? 10%। तो 1 अप्रैल से लेकर के तो 50,000 का सिंपली अगर 10% निकालना है तो 10 by 100 लिखोगे, पूरे साल का निकालना है तो यहां हो जाएगा कितना? हो जाएगा सर 5,000। ठीक है, चलो 5,000 कर दिए। 5,000 करने के बाद अब इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, तो आएगा आपका 45,000। कब आया ये प्राइस? तो सर थोड़ा सा नीचे लिख दो, ये 45,000 जो आया ये हो गया आपका कब सर? 2010 का 1 अप्रैल को। ठीक है, फिर अभी माइनस डेप्रिसिएशन करोगे पूरे साल का, ठीक, मतलब कि 2011 तक का, अप टू लिख दो, अप टू 31 मार्च 2011। फिर यहां पे 5,000 रुपए, क्योंकि फर्स्ट ईयर 5,000 किए थे तो स्ट्रेट लाइन वैल्यू के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर भी 5,000 करोगे, अगर पूरे साल का चार्ज किए थे तो यहाँ पे भी पूरे साल का, तो कितना हो गया? 40,000 हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये 40,000 आने के बाद मशीन को कब बेचा है ये ध्यान में रखना है। तो सर मशीन को बेचा है 2012 का जुलाई में, अभी टाइम है तो इस साल का भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। माइनस डेप्रिसिएशन अप टू 31 मार्च 2012 कितना हो जाएगा? फिर 5,000 माइनस कर दीजिए, तो फिर 5,000 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 35,000 आ गया। ठीक है, अब ये कब का आया है? ये आ गया आपका 1 अप्रैल 2020 को। कब आया है ये आपका? सॉरी 2012 का 1 अप्रैल को। ठीक है, 2012 का ये 1 अप्रैल को आया है। मशीन बिका कब है सर? बिका है ये July 1 को, मतलब कि अप्रैल मई जून 3 महीना के लिए आपने यूज किया है,
तो 5000 जो आप एक साल का जोड़ते थे, अब इसको तीन महीना के लिए यूज कर रहे हो तो 3/12 कर दोगे, तो 3 1 3 3 4 12, फिर 4 के टेबल में काटो इसको, 4 1 4 तो आ जाएगा 4 1 4 4 2 8 4 5 20, मतलब 1250 रुपया आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तीन महीने के लिए। 1250 डेप्रिसिएशन फॉर माइनस डेप अप टू 1 जुलाई 2012। तो अब इसको इससे 35,000 से माइनस करोगे कितना आएगा, जीरो, यहां बचा 5, यहां बचा 9 में से 2 तो 7, और यहां बचा आपका 4 में से 1 तो 3, मतलब 33,750 रुपया आपका बचा। क्योंकि इस डेट में सेल हो रहा है तो जो अमाउंट आपका आया उसको बोलेंगे हम लोग क्या, बुक वैल्यू। अब देखो इसको बेचे कितना में थे, तो सर बेचे थे आप इसको 20,000 रुपए में, 20,000 रुपए में अगर सोल्ड किए थे तो माइनस कर दोगे आप क्या, सोल्ड कितना 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए सोल्ड कर दो। तो जब 20,000 रुपए सोल्ड कर दोगे तो एक बात बताना बच्चों, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 3,713,000, ठीक है, 13,750 आपका क्या आ गया सर, ये मेरा आ गया लॉस, क्या आ गया लॉस आ गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्या, फॉर्मेट को ड्रॉ, क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन हम लोग को बनाना होगा फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, क्या बनाना होगा, फर्नीचर अकाउंट। चलिए आते हैं फटाक से, फॉर्मेट हम लोग फटाक से ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, ज्यादा बड़ा तो बनेगा नहीं, डेट का कॉलम ध्यान देंगे, डेट का कॉलम के बिना नहीं बनाना है। इधर हो गया आपका डेबिट, इधर हो गया आपका क्रेडिट, इधर हो गया आपका डेट, इधर हो गया आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। चलिए सबसे पहले मशीन को, फर्नीचर को हम लोगों ने क्या किया था, परचेज किया था सर, फर्नीचर परचेज किया था, तो मेरा एंट्री क्या होगा सर, एंट्री तो आपका कुछ इस तरीके से होता, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो तो टू बैंक चला जाएगा किधर, इधर जाएगा सर, 2000 कौन सा था, 2009 था क्या, तो सर 2009 का 1 अप्रैल, 2009 का 1 अप्रैल आपने फर्नीचर खरीदा, तो यहां लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो फर्नीचर अपने समझने के लिए, कितने का खरीदा था सर, 50,000 का। बच्चों उसके अगले साल 2010 को आपने 31 मार्च को क्या किया था, डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, पिछले क्लास में आप देख लेंगे, अगर डेप्रिसिएशन का आपने पुराना क्लास नहीं देखा थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो डेप्रिसिएशन आप कितना चार्ज कर रहे थे, 5000 रुपया हर साल, तो 5000 कर रहे थे, बस लास्ट में थोड़ा कम हुआ था, 5000 चला गया। यहां आपका सेम डेट में चला जाएगा बाई बैलेंस सीडी, क्यों जाएगा बताते हैं, इधर आप टोटल करोगे तो आपका आएगा, इधर आएगा आपका 50,000, इधर भी आएगा आपका 50,000, तो सर इधर 5000 है, बाकी का 45,000 आपका कहां चला जाएगा, बाय बैलेंस सीडी में चला जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट आपका हो जाएगा 2010 ही होगा, यहां पे लिखोगे 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को फिर से वही चला जाओ, बैलेंस बीडी था वो आपका हो जाएगा सीडी, था वो आपका हो जाएगा बीडी, तो टू बैलेंस बीडी कितना 45,000, फिर इस साल का डेप्रिसिएशन जो था 2011 में 31 मार्च बाई बैलेंस सीडी, वेट मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना गया डेप्रिसिएशन, फिर से गया आपका 5000, तो इधर चला जाएगा आपका क्या, बाई बैलेंस सीडी कितना, तो सर पहले टोटल तो कर लो, टोटल इधर कर लिया 45,000, तो सर इधर भी कर लिया 45,000, ठीक है, तो बाकी जो बचा यहाँ पे 40,000 चल जाएगा क्या, वो क्लोजिंग अमाउंट, फिर जो इस साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का आपका क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है, जो इस साल का क्लोजिंग है वो आपका क्या हो जाएगा, अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा, मतलब 2011 में फिर से 1
अप्रैल में क्या हो जाएगा टू बैलेंस बीडी कितना 40,000 कितना आया 40,000। फिर आप 2012 में क्या करोगे 31 मार्च को आप करें डेप्रिसिएशन चार्ज, तो यहां लिखोगे बाई डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था आपने, याद होगा आपको हर साल 5,000 था खाली लास्ट में चेंज था, ठीक है। तो फिर इसको करोगे टोटल, टोटल करने पे इधर आया 40,000, इधर भी आना चाहिए आपका 40,000, लेकिन इधर तो 5,000 है, तो बाकी जो अमाउंट है वो चल जाएगा बाई बैलेंस सीडी में सेम डेट में, बाई बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग में कितना चल जाएगा 35,000, ठीक है। अब जो क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा 2012 में, कब सर 2012 में फर्स्ट अप्रैल लिखोगे टू बैलेंस बीडी कितना 35,000, ठीक है। फिर यहां पे 2012 में ही इस मशीन को बेच दिए थे, कब बेचे थे ध्यान देना, तो सर बेचे थे हम लोग 1 जुलाई को, तो बाय डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे कब 30th जून को, बाय डेप्रिसिएशन कितना था आई थिंक आपका था 1,250 रुपया, यहां डेप्रिसिएशन डाल दिए 1,250 रुपया, ठीक है 1,250 रुपया डाल दिए, ठीक है। अब उसके बाद मशीन को आप बेचे कितना में थे 20,000 रुपया में, इधर ही डालोगे सेम डेट पे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि आप बेच रहे हो तो बैंक अकाउंट ईयर टू फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा, तो बाय बैंक कितना चला जाएगा आपका 20,000 रुपया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जब मशीन बिक गया है तो आपके पास तो कोई क्लोजिंग बैलेंस होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सर, कहाँ से क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग करना भी नहीं है। चलो देखो ध्यान से, तो जब बिक गया तो इधर देखो टोटल कितना आ रहा है 35,000, कितना आ रहा है 35,000, तो इधर भी आना चाहिए कितना 35,000, कितना आना चाहिए 35,000, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा बाई पी एन एल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है आपको लॉस कितने का, तो सर लॉस मेरे को हुआ था 13,750, तो जब 13,750 लिख करके आप यहाँ पे टोटल कर दोगे तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, थोड़ा सा आज मैं जल्दी में था इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी में लेके चला, लेकिन काफी अच्छे से बताया है, थोड़ा अगर आपको स्पीड लगे थोड़ा स्लो करके देखना, बट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि छोटे क्वेश्चन ही ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। तो आज के इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए दिखते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।